हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज का ब्लॉग लेके आई हूँ और मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप थाई फूड पसंद करते हैं तो आई मस्ट से कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक थाई फूड इज़ माय फेवरेट, और मेरा फेवरेट उसमें ग्रीन करी एंड रेड करी इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट्स। सो मैं अभी बनाने वाली हूँ ग्रीन करी, और हम बनाएंगे टोफू ग्रीन करी, और ये वेजिटेरियन होगी। और थाई करी आपको पता ही है, जैसे कि कोकोनट मिल्क में बनती है, और दिस इज़ रियली गुड ड्यूरिंग वेट लॉस एज वेल। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तब भी आप इसे खा सकते हैं। और इफ़ यू प्रेफर यूजिंग चिकन इंस्टेड ऑफ टोफू, सो यू कैन यूज़ दैट। सो आई एम गोना यूज़ टोफू टूडे, सो लेट्स गो। सो थाई करी के लिए हमें चाहिए है टोफू, तो मैंने टोफू ले लिया है। और हमें चाहिए होंगी कैरेट्स और कैप्सिकम, ब्रोकली। सो ये सब चीज़ें चाहिए हैं, और बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। सो थाई करी में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मशरूम, नॉर्मली वाइट मशरूम होती है, ये है स्विस ब्राउन मशरूम है ये। मैंने ये पहले ट्राई नहीं किया है, बट आई विल ट्राई फर्स्ट टाइम। सो विल सी हाउ इज़ द टेस्ट। लाइक सभी कहते हैं कि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और टोफू लूँगी, और मैं ले रही हूँ दो कैरेट्स, और कैप्सिकम मैं ये पूरी नहीं डालूँगी, थोड़ी आधी मेरे पास पड़ी हुई है, और इसमें से थोड़ी और डालूँगी। और ये ब्रोकली पहले की पड़ी हुई थी, तो ये ब्रोकली और ये वाली ब्रोकली मैं पूरी डाल दूँगी। एंड वैसे इसमें अनियंस नहीं डालते हैं, लेकिन ये आधा अनियन पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं डाल लूँ। और इसमें ग्रीन चिलीज भी नहीं डलती हैं, लेकिन इंडियन लव्स ग्रीन चिलीज, सो मैं ग्रीन चिलीज भी डाल रही हूँ। तो ये थाई और इंडियन का कॉम्बिनेशन होने वाला है। और मैं ये जो है वेटीज की थाई ग्रीन करी यूज़ करने वाली हूँ। और साथ में ये कारा का कोकोनट मिल्क है, ये यूज़ करेंगे हम इसमें। सो बहुत ही ईजी है इसे बनाना, तो मैं पहले वेजिटेबल्स काट लेती हूँ। सो गाइस, मैंने वेजिटेबल्स जो है वो चॉप कर लिए हैं। ये आप एक ही प्लेट में डाल सकते हैं, क्योंकि हम एक ही इकट्ठे ही इन्हें फ्राई करेंगे। और मशरूम को मैंने अलग से काट के रखा है, इसे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे, फिर हम ये वेजिटेबल्स फ्राई कर लेंगे। और टोफू मैंने अभी काटा नहीं है। ये वाला टोफू तो सही है सब्जी के लिए, लेकिन थाई करी के लिए ये कुछ ज़्यादा ही वो है, क्या कहते हैं, सॉफ्ट है। तो टोफू हमारा फॉर्म होना चाहिए लाइक दिस वन, नॉट लाइक दैट वन। बट मैंने पता नहीं क्यों ये वाला उठा दिया था, बट दैट्स फाइन, घुल जाएगा उसमें करी में, और तो कुछ नहीं होगा ज़्यादा। तो अभी वेजिटेबल्स फ्राई कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स फ्राई करने के लिए हम बहुत ही कम ऑयल यूज़ करने वाले हैं, और इफ़ यू लाइक मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो आप दूसरा नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जो पैन्स का एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है ये यूज़ कर रही हूँ। और आज मैंने लंच नहीं किया है, तो मैंने कैरेट्स काटी थी, तो कैरेट तो अच्छी होती है खाने के लिए, लाइक आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा लाइक ग्लो सा आता है अगर आप ऐसी वेजिटेबल्स खाओ तो। जस्ट हैविंग कैरेट फॉर माई लंच। मैंने एक कढ़ाई ले लिया, इसको गर्म होने देंगे, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी, जिसमें मैं पहले मशरूम जो है वो फ्राई करूंगी। तो आपको एक बात बताती हूँ, लाइक लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल में कैलोरीज जो हैं वो कम होती हैं, इसलिए जब वेट लूज करो तो तुम्हें ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि जो ऑलिव ऑयल है और जो दूसरा लाइक हम जो दूसरा रिफाइंड यूज़ करते हैं, कैलोरीज दोनों में सेम ही होती हैं, लेकिन जो ऑलिव ऑयल होता है वो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसलिए जो डॉक्टर हैं या हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, वो सब ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और हार्ट के लिए स्पेशली। सो इसे आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो ऑयल जो है वो गर्म हो गया, मैं डालूंगी ये मशरूम, और इसे हम फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट्स तक फ्राई करना है।
तो ये मशरूम जो है फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे, नॉट मच, जिसमें हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी जो है वो फ्राई हो जाए। सो जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया, तो हम इसमें पहले ऐड करेंगे अनियंस। हमें हल्का सा फ्राई करना है, तो ये मैंने एक मिनट के लिए किया है। इसके बाद आप ये सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दो, अच्छे से मिक्स कर लो। हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें कच्ची रखनी है वेजिटेबल्स, जस्ट 5 मिनट्स के लिए पकाना है। तो हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो हो गई हैं, मैं इनको भी निकाल दूँगी। मैं थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डालूंगी, बस इतना सा। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो मैं ये डालने वाली हूँ इसमें थाई करी, ये सॉस, और ये सारे डाल दूंगी मैं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो टोफू की है ज़्यादा। सो इसको हम सिर्फ दो तीन मिनट नहीं, 5 मिनट्स तक के लिए पकाएंगे ऑयल में। सो हमारी पेस्ट जो है वो रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 कारा की बॉटल्स कोकोनट मिल्क की, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो कोकोनट मिल्क जो है वो कम है, इसलिए मैंने 2 बॉटल्स डाल दी हैं। तो जो ये सॉस होती है इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है और थोड़ी स्पाइसी भी होती है, तो आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जब कोकोनट मिल्क आप डाल लेते हैं और तब आप वेजिटेबल्स डालेंगे पहले, फिर उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर सॉल्ट कम लग रहा है तो आप सॉल्ट डाल दो और फिर इसको बॉईल होने दो, और अगर थोड़ा स्पाइसीनेस ऐड करनी है तो आप थोड़ी चिली भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने अभी टेस्ट किया था तो मेरे को नमक थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है। अब हम इसमें टोफू ऐड कर देंगे, तो मैंने अब इसमें टोफू ऐड कर दिया है। तो जैसे ही हमारा कोकोनट मिल्क बॉयल होने लग जाएगा तो हम इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे सारी, इंक्लूडिंग मशरूम। अब इसे हम थोड़ी देर ऐसे रख देंगे ताकि ये बॉयल हो जाए। सो कोकोनट मिल्क में जो है वो उबाल आने लग गया है, तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी, वो सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लो और अब हम इसे कोकोनट मिल्क में पकाएंगे। ये वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी बहुत गलेंगी अभी, तो वो इसमें गलेंगी, इसीलिए हमने जब फ्राई कर किया था तब उस टाइम पे हमने थोड़ी कच्ची रखी थी, क्योंकि इस टाइम पे भी पकेंगी अभी है। सो वेजिटेबल्स जो हैं वो कुक हो रही हैं इसमें, आई थिंक मैक्सिमम अब ये लेगा 7 मिनट्स तक और फिर ये हो जाएंगे, फिर हमारी करी जो है वो रेडी है। सो देखो कितनी इजी है इसे बनाना, कितना इजी है, और इतने बर्तन भी नहीं गंदे होते हैं, एक ही कढ़ाई में मैंने सब कुछ किया, आपने भी देखा है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी है इसे बनाना और यम्मी भी होती है। जिसको कोकोनट पसंद है उसे तो बहुत अच्छी लगेगी। सो मेरी कढ़ाई की लेट नहीं है तो मैंने इसके ऊपर चॉपर रख दिया है। मैंने गैस जो है वो पहले फुल पे पका रही थी मैं, तो सारी सब्जी मैंने फुल गैस पे बनाई है, लेकिन अब मैंने मीडियम पे कर दी है ताकि धीरे धीरे कुक हो, तो कोकोनट का जो टेस्ट है वो वेजिटेबल्स में भी जाएगा। सो बहुत ही जल्दी जो है ये रेडी हो जाएगी। तो वैसे तो अगर आप उस पर मैक्सिमम हीट पर पकाओगे तो 7 मिनट्स जैसे मैंने कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इसको स्लो कुक करें, और तो आप इसे 10-15 मिनट्स तक रखते हैं ऐसे ही, और फिर उसके बाद हिला के फिर गैस बंद करें और रेडी हो गई फिर आपकी थाई ग्रीन करी। तो ऐसा हमारी करी जो है वो रेडी है, मैंने गैस बंद कर दिया।
सो गाइस आई होप कि आपको जो थाई करी रेसिपी है बहुत ही अच्छी लगी होगी. यस, बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी है. मैंने थोड़ा सा एक स्पून ट्राई किया है और बिल्कुल बाहर जैसी बनी है जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है. और बाहर तो बहुत एक्सपेंसिव होती है ये, लाइक $20 में ये थोड़ी सी देते हैं थोड़ा सा पोर्शन, और उससे तो कुछ होता ही नहीं है. और घर पर कितनी सारी बन गई है. तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay safe and be kind. Bye.